हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? हाय गाइस की बच्ची, हाय गाइस की बच्ची मिट अलीशा। अलीशा से हाय। हाय। सो गाइस, अभी मैंने ये वाला मेकअप लुक शूट किया है, न्यूली वेड ब्राइड्स करवा चौथ मेकअप लुक। तो वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, या फिर आ गई होगी। मे बी ये वाला व्लॉग इसके बाद जाएगा। आई थॉट कि एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ आप लोग से अलीशा बात करना चाह रहे हैं। अलीशा इधर आ जाइए, वन सेक। ओके, सो ये है अलीशा। अलीशा अभी अभी सोकर उठे हैं, और जस्ट नो मैंने ये वाला मेकअप फिनिश किया है। थोड़े से रील्स वीडियोस मैंने बनाए हैं, और देखती हूँ कल या परसों तक वीडियो आ जाएगी। ये व्लॉग वीडियो पहले आएगी या फिर मेकअप वीडियो, आई डोंट नो, जो पहले एडिट होगी वो वाली वीडियो मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेकअप करने के बाद कितना सारा मैस होता है, और इसे सही कर कर ठीक कर कर रखने पर कितना सारा टाइम लगता है। एक वीडियो के पीछे आपको 3 to 4 hours देने होते हैं। वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाती, जस्ट आप लोग 5 to 6 minute की वीडियोस देख लेते हो, बट ऐसा नहीं होता, काफ़ी सारा टाइम लगता है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा, डीमोटिवेट मत कीजिएगा। तो अभी अली नायान जो है रबी पढ़ने के लिए गए हैं, बारिश जो है कम है, आज है वेडनेसडे। मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँ, बहुत दिन हो गए हैं मेकअप वीडियो कोई भी शूट मैंने नहीं की थी, तो फाइनली मैंने ये वाला मेकअप लुक आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छा है। इफ़ अगर आपकी नई नई शादी हुई हो तो ये वाला मेकअप लुक जस्ट आपके लिए ही बना है। और यहाँ पर अलीशा जो है मेरे सामानों को ख़राब कर रहे हैं। से हाय अलीशा, अलीशा से हाय। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सलाम करो, अदाब करो। अस्सलाम वालेकुम। अलीना दीदी अन भैया कहाँ हैं? सो चलिए, बातें तो बहुत हो गई हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैस बताती हूँ यहाँ पर। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, वीडियो शूट करने के बाद इतना सारा यहाँ पर सामान है, सारे चीज़ों को मुझे सही जगह पर रखना होता है। तो चलिए मैं बारी बारी कर कर, जैसे कि मेकअप हो गया, बैंगल्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, सारे चीज़ों को अपनी जगह पर रख लूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो मेरे रेगुलर्स जो मैं वेयर करती हूँ, ये वाले बैंगल्स हैं जो इसे मैं पहन लूँगी। और यहाँ पर एक जो चूड़ी है मेरी टूट गई है, और ये जो बॉक्स है इसमें मैं अपना जो चूड़ा है उसे रख लूँगी सेट कर कर। इससे क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर ये चाहिए होगा तो वो आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि दिल नहीं करता। तो जैसे कि देख ही सकते हो आप, काफ़ी सारा मैस है। तो चलिए फटाफट से इसे मैं साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अलीना आयान भी आ गए थे। तो चाय मैं बना रही थी, इसके साथ हम रक्स ले लेंगे। तो चलिए फिर चाय पीते हैं। Walking through all
सो गाइस, चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं आज आपके साथ भरवा भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो कुछ नहीं, आपको इस तरह से भिंडी को काट लेना है, सेंटर में एक निशान इस तरह से छेद कर लेना है ताकि हम इसमें अपना मसाला डाल सके। तो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मसाला बनाने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर लिया है, और मसाले आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 टीस्पून उतना ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है। देन इसके बाद मैं 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करूँगी। इससे क्या होगा, भिंडी जो है काफ़ी अच्छे से खट्टापन आएगा और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो 1/2 टीस्पून उतना मैंने चाट मसाला डाला है। देन उसके बाद आमचूर पाउडर भी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून उतना। अगर आपके पास गरम मसाला हो तो आप 1/2 चम्मच गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हो। सारी चीज़ें डालने के बाद नमक आप आपके हिसाब से, भिंडी में जितना लगेगा उस हिसाब से नमक को ऐड कर ले। तो ये हमारा पाउडर मसाला जो है रेडी है। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले आपस में, आप चाहे तो हाथ की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हो। तो फटाफट से इसे मिक्स कर लें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे फिल करना है। जैसे कि एक भिंडी ले लें और इसे इस तरह से फिल कर लें, आपको ओवर फुल नहीं करना है, जस्ट इसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर फुल फिलअप कर लेना है। एंड आप देख सकते हो सेम इसी तरह से सारे भिंडी को आपने फिल कर लेना है। ट्रस्ट मी गाइस, ये वाली रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप चपाती और रोटी के साथ इसे खाओगे तो बहुत ही टेस्टी ये लगेगी। तो चलिए फिर मैं जल्दी जल्दी सारे जो भिंडी है इसमें मसाले को फिल कर लूँगी। सो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मसाला जो है भिंडी में भर लिया है। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल डालूँगी और इसे तेल के अच्छे गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए आप ये भरवा भिंडी को इसमें डाल दें, मसाला भिंडी को इसमें डाल दें, और धीमी आंच पर लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना है। सो यहाँ पर थोड़ा सा तेल गर्म होती है, मैंने सारे भिंडी को डाल दिया है। और इस तरह से चम्मच की मदद से आप एक मिक्स दे दें और इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएं लो मीडियम फ्लेम पे। देन थोड़ी थोड़ी देर बाद 3 से 4 बार आपको चेक कर लेना है। सो 5-5 मिनट बाद आपने इसे निकाल कर चेक करना है और इसे इस तरह से आपको चम्मच चलाना है। इससे क्या होगा, भिंडी जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। सो ऐसे ही करके मैंने 3 से 4 बार भिंडी को लो मीडियम फ्लेम पे चलाया है, कुक किया है। इससे आपको साफ पता चल जाएगा जैसे कि भिंडी अपना कलर जो है चेंज कर लेगी, तो आपको पता लग जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर हमारी जो भिंडी है बनकर रेडी है। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो कलर है काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो ये ऑलमोस्ट डन है, तो मैं इसे निकाल लूँगी सर्विंग प्लेट में। तो आप इसे खा सकते हो गरम गरम चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइस। आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर आपको पसंद आई है भरवा भिंडी की रेसिपी, तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो, ब्लॉग या मेकअप वीडियो, मेकअप ट्यूटोरियल, तो मैं फॉर श्योर आपके लिए ज़रूर करूँगी। तो चलिए गाइस, मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।